नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi 10A वर्सेस Xiaomi Redmi 10 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi 10A में 6.49 इंच जबकि Redmi 10 में 6.67 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Redmi 10A में 3.03 इंच जबकि Redmi 10 में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है जो कि Redmi 10A से कम है। बात करें थिकनेस की तो Redmi 10A में 0.35 इंच जबकि Redmi 10 में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi 10A में 194 ग्राम जबकि Redmi 10 में 203 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो कि Redmi 10A से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Redmi 10A में 20:9 जबकि Redmi 10 में 20:6:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi 10A में 6.53 इंचेस जबकि Redmi 10 में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Redmi 10A में 720x1600 और Redmi 10 में 720x1650 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi 10A में 81.08% जबकि Redmi 10 में 82.33% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 269 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi 10A में एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और Redmi 10 की बात करें तो इसमें दो कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi 10A में पावर GE8320 जबकि Redmi 10 में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi 10A में MediaTek Helio G25 और Redmi 10 में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi 10A में दो वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 3GB 4GB की RAM मिलती है जबकि Redmi 10 में दो वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो Redmi 10A में दो वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 32GB 64GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Redmi 10 में दो वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Redmi 10A में अप टू 512GB जबकि Redmi 10 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Redmi 10A में 5000mAh जबकि Redmi 10 में 6000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi 10A में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 3GB RAM 32GB स्टोरेज के साथ 8499 रुपीज
4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 9,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Redmi 10 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Redmi 10A में 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi 10 की तो उसमें 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Redmi 10 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Redmi 10 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A16 है, दूसरा इन्फिनिक्स नोट 11 है, तीसरा Xiaomi Redmi 10 Prime है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Nazo 50A है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।